अभी तो हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो चौथे मेरिट लिस्ट के लिए छात्र पुराने वाले छात्र हैं, वो कैसे अपने ट्रेड को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने पुराने डिटेल जो गलत हो गया था किसी भी कारणवश वो नहीं कर पाए थे साथियों, वो कैसे कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे साथियों इस वीडियो में कि नए छात्र कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे और कैसे आप अपनी सीट देख पाएंगे, किस ITI में कितनी सीट खाली है। हालांकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इस बार चेंज किया गया है, उसको हम आगे जानेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रोम ब्राउजर पर आके आपको सर्च करना है scvtup.in, उसके बाद पहले लिंक पर क्लिक करना है। आप जैसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पॉपअप खुल के आ जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर साथियों आपको कुछ और ऑप्शन आ रहे होंगे, खुल के देखेंगे। यहाँ पर पहला आ गया है चौथे चरण के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा नवीन विकल्पों के लिए ऑनलाइन। इसमें चौथे चरण केवल राजकीय के लिए दिया है साथियों, और इसके बाद ये दिया है कि चौथे चरण में नवीन अभ्यर्थी द्वारा, मतलब जो चौथे चरण में नए छात्र हैं उनके लिए दिया है। तो साथियों ये नवीन का मतलब जो है कि जो पहले से कर चुके हैं साथियों, जो पहले ऑनलाइन किए थे किसी कारणवश नहीं हुआ, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके वो क्या कर सकते हैं, अपना संशोधन कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल के, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप अपना जो है डिटेल डालोगे और उसके बाद चाहे आप डेट ऑफ बर्थ जो भी गलत है वो कर सकते हो, ट्रेड चेंज कर सकते हो। सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये लास्ट है साथियों। इसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी और इसके बाद आपका एडमिशन भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर हम फिर से बैक आए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे दिए गए चौथे चरण के लिए नवीन अभ्यर्थी, जो छात्र नए हैं अभी तक किसी भी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं उन्हें क्या है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आ गया आपको नया फॉर्म भरने के लिए। इसे कैसे भरना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक लगा दिया है, उस वीडियो को आप देखिए और अपने फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक आप भर दीजिए। उसके बाद साथियों फिर से हम बैक आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देखना है आपको कि रिक्त सीटों का विवरण राजकीय, मतलब गवर्नमेंट ITI में कितनी सीटें बची, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ है रिक्त सीटों का विवरण निजी संस्थानों में। तो साथियों यहाँ से आप ये देख पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी सीट बची है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आना है डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, किस डिस्ट्रिक्ट का आप चुन रहे हैं। तो मैं सुल्तानपुर का हूँ तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट चुन ले रहा हूँ। यहाँ पर ITI की बात करें तो यहाँ पर जो भी ITI है, यहाँ पर मैं जिस गवर्नमेंट ITI सुल्तानपुर चुन ले रहा हूँ। और इसके बाद ग्रुप ए चुन के यहाँ पे मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड PDF मांग रहा है। इसके बाद ये PDF डाउनलोड हो गया, उसके बाद ओपन भी हो रहा है। और यहाँ पे जा साथियों आप ओपन होने के बाद देख पा रहे हैं कितनी सीट खाली है, किस ट्रेड में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से टोटल 48 सीटें खाली है यहाँ पर अभी। तो जो भी छात्र हैं इस बार एडमिशन जरूर ले। आगे कैसे कैसे क्या करना है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। यह चैनल एक ITI के द्वारा चलाया जाता है, इसमें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सभी जानकारी सही रूप से और सटीक जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।